हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को दो स्थान दाईं ओर खिसकाते हुए संख्या को प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो इसी प्रोसेस पर हमें करना है। तो दोस्तों हम लोग अब इसको इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमको इसे किस तरह से करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 0.12 को प्रतिशत में बदलना है। तो 0.12 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, हमें करना क्या है, हम इसको लिखेंगे कि 0.12 और इसमें गुणे में हम लिख देंगे 100/100। तो इस 100/100 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.12 गुणे हम 100 इसके साथ कर सकते हैं और 1/100 ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 100 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 ऊपर और नीचे हो जाएगा 100। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ये हो गया 12/100 हो गया। अब 12/100 को हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 12/1/100। यही 1/100 जो है इसी को हम कहते हैं, ये क्या है, ये प्रतिशत है। इसको लिख दें, ये हो गया 12%। इस तरह से 12% हो गया। इसी तरह से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, लिखा गया है 0.03, तो आप इसको लिखेंगे कि 0.03, इसमें आप 100/100 करेंगे तो 100। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, हो जाएगा कि 0.03/100 हो गया और इसको कर देंगे 100 हो गया। तो इस तरह से अब इस 100 का गुणा इसमें कर देंगे 0.03 में, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 100 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये हो गया 3/1/100। अब यही 1/100 ये प्रतिशत में हो गया। इस तरह से आपने लिख दिया 3/1/100, तो ये हो जाएगा 3%। इस तरह से प्रतिशत में हो गया। तो आपने देखा कि क्या किया जा रहा है, 100 का गुणा 100 का भाग, तो 100 जो है प्रतिशत में हो रहा है, 1% हो गया और दूसरे 100 का हम गुणा कर दिए। और आपने अभी प्रोसेस में पढ़ा भी है कि दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को दो स्थान दाईं ओर लिख देते हैं और उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। आप इसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए 0.12 है, तो 0.12 को आपने दशमलव को दाईं तरफ ले गया, दो अंक देखिए 1, 2, तो यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा, 2 अंक पर ले जाएंगे तो 2 अंक पर 12 हो गए। इसके बाद आगे आप कब क्या करना, प्रतिशत लगा देना, प्रतिशत लगा दिए। इसको आप 60 में भी कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न है, इसमें देखिए लिखा गया है कि 0.0025। अब देख रहे हैं इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आपको ये नहीं करना कि अब हमें इसमें 1000 से गुणा करना है, आपको हमेशा गुणा 100 से ही करना है। तो आपने 100 से गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया। जब 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए कितना हो जाएगा,
ऊपर जब सौ का गुणा करेंगे इसमें कितना हो, दशमलव के बाद दो अंक जाएगा। आपके नियम के अनुसार भी दशमलव के बाद आप दो अंक ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो एक दो ये हो गया 2.5 हो गया, और गुणे में इसको लिख देंगे 1/100 हो गया, तो 1/100 ये प्रतिशत हो गया, और इस तरह से आप इसको लिख देंगे 2.5 ये हो गया प्रतिशत। इस तरह से 2.5 प्रतिशत हो गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए एक प्रश्न को और हम हल कर लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि 0.125, तो 1.25 इसमें भी आपको वही करना है, 1.25 गुड़े 100 और बाई 100, तो गुड़े 100 तो ऊपर जब गुड़ा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब इसमें गुड़ा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए दशमलव के बाद दो अंक जाएगा, तो आप ऊपर लिख दें कितना हो जाएगा, ये हो गया 125, और नीचे हो जाएगा ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। इसके बाद अब आप इसको लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा 125 गुणे में 1/100, 1/100, तो 1/100 को आप यही प्रतिशत हो गया, तब इसको इस तरह लिख देंगे 125 और ये हो गया प्रतिशत। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।